हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक अपडेट दिया गया है। महाराष्ट्र के कॉलेज एडमिशन के लिए कोई भी सीईटी एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो क्या है अपडेट, इसके बारे में समझेंगे, किसके बारे में बात किया जा रहा है। न्यू सीईटी फॉर कॉलेज एडमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट कन्फर्म, इस तरीके के आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कन्फर्म किया है कि 2021 में यानी कि इस साल कोई भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। आपको पता होगा कि सारे स्टेट अपने अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस साल कोई भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेने वाली है। देखो, एक मीटिंग हुआ, ज्वाइंट मीटिंग हुआ, जिसमें वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सावंत जी, उन्होंने फैसला किया मीटिंग में बहुत सारे अथॉरिटीज के साथ बैठ के कि इस साल 2021 में कोई भी सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा डिग्री एडमिशन के लिए। तो आप सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा तो एडमिशन किस तरह से होगा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में। तो उन्होंने बताया कि जो महाराष्ट्र के हायर सेकेंडरी के रिजल्ट हैं, जो क्लास 12th के रिजल्ट है, उसके बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र का क्लास 12th का रिजल्ट 3 अगस्त को रिलीज किया गया और 2020 से कंपेयर की जाए तो इस साल लगभग 90% मार्क्स, मतलब बहुत सारे बच्चों को 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं क्लास 12th में। और इसके बाद आपको पता है कि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जो स्टेक होल्डर्स थे उनके द्वारा सवाल उठाया गया है कि इस साल जो 2021 इसमें जो कोर्सेज हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज में एडमिशन किस तरह से लिया जाएगा। तो उसी के ऊपर उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि जो आपका क्लास 12th का रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है और जो आपका एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेज में, जो एडमिशन होगा ट्रेडिशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में जो कि एफिलिएटेड कॉलेज में और साथ में नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, आपका जो एडमिशन होगा वो क्लास 12th के बेसिस पे होगा, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। ट्रेडिशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में और नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन क्लास 12th के बेसिस पे होगा। यानी कि आप सारा मामला आप समझ रहे हो। अब देखो, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एडमिशन आपका यूजी कोर्सेज में तो ट्रेडिशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज तो हैं, साथ में आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे भी क्लास 12th के ही बेसिस पे ले सकेंगे। जो आपके एग्जामिनेशन होते थे पहले सीटी का, आपको एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्लास 12th का मार्क आप वहां पे दिखाओगे और आपका एडमिशन होगा। कॉलेज प्रॉपर अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे। महाराष्ट्र हायर एजुकेशन मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज के साथ बात कर रहे हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एडमिशन ना हो, सारे बच्चों का एडमिशन होना चाहिए क्लास 12th के परसेंटेज पे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसमें पासिंग परसेंटेज थे 99.63% बच्चे पास किए थे 2021 में, और 2020 या फिर उससे पहले से कंपेरिजन किया जाए तो इस साल हाइएस्ट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग, मैं आपको बता दूं, 95% से ऊपर लगभग 1372 कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है, ये काफी अच्छा रिजल्ट है। और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आपका अभी अभी जस्ट आया है। अब देखो, कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको काफी ज्यादा अच्छा नंबर लाना होता है और मुंबई पुणे नागपुर के यूनिवर्सिटीज में आपको सीईटी देना होता है, लेकिन इस साल डायरेक्टली आप 12th के बेसिस पे जा सकते हो और कोई भी सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा कॉलेज एडमिशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर और भी डिटेल्स शेयर करेगी, कॉलेज के गाइडलाइंस आएंगे और बच्चों के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, क्या परसेंटेज रहने वाला है, कितने नंबर पे आपका एडमिशन होगा। तो इसके ऊपर गाइडलाइंस और नोटिस रिलीज होगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे रिलीज करेगी और यूनिवर्सिटीज और जो आपके कॉलेज हैं वो भी रिलीज करेंगे, तो आप उनके वेबसाइट पे चेक करते रहना। तो ये अपडेट था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallavasuFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।